गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ बारह बड़े काम का थैला चर्चा करें आप सामान लाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं बाजार में सबसे ज़्यादा किस तरह के थैले मिलते हैं पॉलीथीन के थैले हमारे लिए कैसे हानिकारक हैं उनके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सोचो अब देखो यहाँ पर पाठ में हमें चित्र बनाकर दिया गया है जहाँ पर दादाजी हैं और अर्पित अर्पण और प्राची दो बच्चे हैं और उनके दादाजी हैं तो हम पाठ में हमें बताया गया है आज बहुत दिनों बाद धूप चमकी है दादाजी धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं अर्पण और प्राची की बड़े दिन की छुट्टियां शुरू हो गई हैं वे भी पास में खेल रहे हैं पाठ में बताया जा रहा है कि आज बहुत दिनों बाद अच्छी धूप आई है तो दादाजी धूप में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और पास में ही अर्पण और प्राची खेल रहे हैं तब दादाजी ने उनसे कहा अर्पण प्राची तैयार हो जाओ ताजी सब्जियाँ और फल लाने बाजार जाना है और हाँ अपनी दादी जी से सामान की सूची और थैला भी ले लेना दादाजी ने दोनों को अर्पण और प्राची को पुकारा और कहा कि तैयार हो जाओ हमें मार्केट जाना है और हमें फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लाने हैं बाज़ार से तो अपनी दादी जी से आप एक बैग ले आओ और सामान की लिस्ट भी ले लेना जी दादाजी प्राची ने कहा जी दादाजी अब आगे के भाग में देखो दादाजी पाठ में बताया गया है कि दादाजी सप्ताह में दो दिन बाज़ार जाते हैं ताज़े फल और सब्जियाँ वे खुद ही चुनकर लाना पसंद करते हैं दादाजी सप्ताह में दो बार वन वीक में टू टाइम मार्केट जाते हैं और वहाँ से ताज़े फल और सब्जियाँ चुन चुन कर लाते हैं के कि कौन सी सब्ज़ी सही है फ्रेश है या फलों में कोई दाग तो नहीं है तो अच्छी अच्छी सब्जियां और फल वो चुन कर लाना पसंद करते हैं देखो अब यहाँ पर प्राची अपनी दादी जी से थैला लेने जाती हैं अरे वाह इतनी सुंदर सुंदर थैले दाद, दादी जी तो दादी बोलती है यह लो थैला और सामान की सूची अब आगे उनमें से एक सुंदर थैला लेकर अर्पण और प्राची दाद, दादाजी के साथ बाजार चल दिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे चित्र है और चित्र में क्या दिखाई दे रहा सब्जी मंडी में सब्जी वाले की दुकान है उसने अपनी दुकान के पीछे एक बोर्ड टांगा है जिसमें उसने लिखा है अपना थैला साथ लाएं, पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग ना करें तब दादाजी ने जब उसे पढ़ा तो उन्होंने कहा हाँ भाई हाँ इसलिए हम अपने साथ कपड़े का थैला लेकर आए हैं ये सुनकर प्राची ने पूछा दादाजी सब्जी वाले ने बोर्ड पर यह सूचना क्यों लगाई है तब दादाजी ने उन्हें बताया प्राची पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है एक तो इसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं वह वहीं दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलिथीन पौधों को बढ़ने नहीं देते और हाँ जानवर भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं दादाजी ने समझाया कि जो पॉलीथीन होता है वो नष्ट नहीं होता वो समाप्त नहीं होता कभी भी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण यानी कि हमारा इन्वामेंट जिसमें हम रहते हैं हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है उसको हम जला भी नहीं सकते तो उसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं अगर हम ये कहें कि उसको जला नष्ट कर देते हैं तो उसे जलाने पर भी वायु प्रदूषित हो जाती है हमारे जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है क्योंकि उसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं वहीं दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलीथीन जो जब हम इधर उधर फेंक देते हैं पॉलीथीन को तो वो मिट्टी के नीचे दब जाती है तो वो नष्ट नहीं होती वो पौधों को बढ़ने नहीं देती ठीक है और और हाँ जानवर भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं जब पॉलीथीन जानवर खा लेते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वो जो पॉलीथीन होती है उनकी आंतों में फंस जाती है ठीक है और इस वजह से जो जानवर हैं वो बीमार पड़ जाते हैं तब अर्पण ने पूछा दादाजी तो हम पॉलीथीन से पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं जब उसने सुना कि पॉलीथीन हमारे पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाता है तो उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी तो हम पॉलीथीन से पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं अब आप पेज पलटिए देखिए दादाजी ने कहा इसका कम और सही इस्तेमाल करके दादाजी ने उन्हें समझाया कि अगर हम इसका कम इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं पर कैसे दादाजी देखो अब आगे देखो सामान दादाजी अब बता रहे हैं सामान लाने के लिए हमेशा कपड़े जूट या कागज़ के थैलों का प्रयोग करें ये प्रकृति के दोस्त हैं छिलके पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरे के डिब्बे में डालें दादाजी ने समझाया कि हमें सामान लाने के लिए हमेशा कपड़े का थैला का प्रयोग करना चाहिए घर में बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं उससे भी हम थैला बना सकते हैं जूट या कागज़ के जूट बेटा एक फसल होती है जिससे हमें रेसें मिलते हैं उन रेसों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उनमें से जूट के थैले भी बनते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते या फिर कागज़ के थैलों का प्रयोग करें जैसे पुराने न्यूज़पेपर हो गए पुरानी कॉपियाँ होगी उससे हम छोटे छोटे लिफाफे बना सकते हैं उसमें हम सामान ला सकते हैं तो ये क्या होते हैं प्रकृति के दोस्त होते हैं यानी कि ये प्रकृति में घुल जाते हैं अगर अखबार या कपड़ा या जूट मिट्टी के नीचे दब जाए तो वो नष्ट हो जाता है वो मिट्टी में मिल जाता है इससे हमारे जो मिट्टी है पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचता छिलके पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलीथीन यहाँ पे दादाजी बता रहे हैं कि जो हमारे घरों में जो हम सब्ज़ियाँ काटते हैं उसके छिलके को अलग रखें पैकिंग में इस्तेमाल हुई जो पॉलीथीन है उनको और जो प्लास्टिक की बोतलें हमारे यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं उनको हमें अलग अलग कचरों के डिब्बे में डालना चाहिए अब देखो अब यहाँ पर अर्पण ने पूछा अलग अलग क्यों तब दादाजी ने बताया छिलके तो जानवरों के खाने और खाद बनाने के काम आ जाते हैं दादाजी ने उन्हें बताया कि जो छिलके होते हैं जैसे हमारे घर में हम आजकल मटर छिलते हैं ना तो मटर के छिलके हो गए या और भी सब्ज़ियों के छिलके हो गए तो वो किस काम आते हैं या तो हम उसे जानवरों को खिला सकते हैं यानी कि गाय को खिला सकते हैं या फिर अगर वो मिट्टी में हम उन्हें दबा दें तो उससे खाद बन जाती है और प्लास्टिक को रिसाइकल करके उससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जब हम प्लास्टिक का कूड़ा अलग से इकट्ठा करेंगे तो उसको रिसाइकल कर सकते हैं यानी उसको गलाकर हम और भी चीज़ें उससे बना सकते हैं अब देखो अब अर्पण ने दादाजी से कहा अच्छा अब समझ में आया कि दा दादी जी कपड़े के ही थैले क्यों रखती हैं दादी जी घर में पॉलीथीन के थैले नहीं रखते वो हमेशा कपड़े के थैले रखते हैं तो अब अर्पण को समझ आया कि क्यों दादी जी कपड़े के ही थैले रखते हैं अब दादाजी ने बोला शाबाश बच्चों चलो तुम्हारी दादी इंतजार कर रही होंगी जब दादाजी ने सामान खरीद लिया और बच्चों को सब कुछ समझा दिया तब दादाजी अब बोल रहे हैं कि शाबाश बच्चों चलो अब घर चलते हैं दादी इंतजार कर रही होगी तभी प्राची ने कहा एक आइडिया आया मैं माँ से कहूँगी जूट कपड़े और कागज़ के थैले बना दें हम अपनी सोसाइटी में दिवाली दिवाली मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को इनके फ़ायदे बताएंगे तभी प्राची ने बोला कि मुझे एक विचार आया है मुझे एक आइडिया आया है मैं अपनी माँ से कहूँगी कि वो जूट कपड़े और कागज़ के थैले बना दें जब दीपावली आएगी तो हम इसमें स्टॉल लगाएंगे और लोगों को इसके फायदे के बारे में बताएंगे तब उसका भाई कह रहा और इस सब्जी वाले की तरह पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे क्यों दादाजी और अर्पण कह रहा है कि जैसे सब्जी वाले ने हमें बताया सब्जी वाले ने बोट टांगा था ना तभी बच्चों ने प्रश्न किया दादाजी से दादाजी ने उनको सारी बातें बताई तो जैसे इनको पर्यावरण को बचाने की जो प्रेरणा मिली इसी तरह से हम भी दूसरों को बताएंगे कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए उसमें हम मदद करेंगे तो बेटा इतना अच्छा पार्ट था ना इससे आपने बहुत कुछ सीखा हमें हमेशा अपने घर में सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग अलग डब्बे में डालना चाहिए प्लास्टिक की चीज़ें प्लास्टिक की बॉटलें हमें अलग अलग रखनी चाहिए उसे अलग रखना चाहिए और खाने पीने की जो चीज़ें हैं छिलके हैं या बचा हुआ खाना है उसे अलग रखना चाहिए उसको जानवरों को खिला देना चाहिए कभी कभी बेटा जब हम सारा घर का कचरा एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई बार उसमें नुकीली चीज़ें भी होती हैं उसमें ब्लेड हो सकती है आपके घर में ऑल पिन हो सकती है सेफ्टी पिन हो सकती है और हम वो सारा खाने पीने का सामान या छिलके सारा इकट्ठे करके अगर डस्टबिन में डाल देते हैं बाहर या ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है वहाँ डाल देते हैं तो जो आवारा पशु होते हैं जैसे गाय हो गई या जो डॉक्स होते हैं कुत्ते होते हैं या बंदर है कोई भी जानवर है जब वो छिलकों में जब उस कूड़े कचरे में से खाने की, पीने की चीज़ें खाते हैं तो उस कचरे में से कोई नुकीली चीज़ भी कई बार उनके खाने के साथ चली जाती है मान लीजिए कोई सेफ्टी पिन चली गई या ब्लेड चली गई तो सोचो कि अगर किसी गाय के फस, आ, गले में कोई ब्लेड फंस गई या ऑल पिन फंस गई या सेफ्टी पिन फंस गई तो कितनी दिक्कत होगी ना उसे हमें पता भी नहीं होगा और हमारी वजह से किसी को कितनी तकलीफ़ होगी तो हमें हमेशा कांच हो गया और इस तरह की नुकीली चीज़ें होगी या एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हो गई इन सबको खाने पीने की चीज़ें और जो ये छिलके हैं इनको एक साथ नहीं फेंकना चाहिए हमें इन चीज़ों को सावधानी से अलग जगह फेंकना चाहिए प्लास्टिक का कूड़ा अलग फेंकना चाहिए छिलके और खाने पीने की चीज़ें जानवरों को अलग से खिला देनी चाहिए या ज़मीन में दफना देनी चाहिए तो इस तरह से हम अपने पर्यावरण का को भी बचा सकते हैं और अपने आसपास जो हमारे जानवर रहते हैं उनको भी हमारी वजह से नुकसान नहीं होगा तो ठीक है बेटा आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए और आप भी अपने घर में दो डिब्बे लेंगे एक में जैविक एक में अजैविक जो कचरा होता है उसको अलग अलग डालेंगे एक में सूखा कूड़ा एक में गीला कूड़ा ठीक है बेटा तो आप इस तरह से पर्यावरण को और जानवरों को बचाने में मदद कर सकते हैं तो आपने सीखा ना कि कैसे छोटी छोटी बातों से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं तो आप इस पार्ट को एक बार फिर से पढ़िए और इसको समझिए और आज का होमवर्क है आपका कि आप इस पार्ट के शब्द अर्थ इस पार्ट के जो शब्द अर्थ हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे